हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 22 यानी कि 22वां प्रैक्टिस सेट करने वाला है। इसमें हम लोग 40 प्रश्न करेंगे झारखंड जीके का, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि JSSC सीजीएल में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड जीके से, 120 नंबर यानी कि झारखंड जीके से, ठीक है। तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे। आपका ASO का सपना है तो रेगुलर बेसिस से पढ़ाई कीजिए और रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखिए, आपका सपना शायद साकार हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने डाला था कल कल डाला था मैथ का प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रीवियस ईयर JSSC के द्वारा पूछा गया। शायद पसंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो ज़रूर बताइए दोस्तों आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना से, क्योंकि दोस्तों यकीन दिलाते हैं आपको, यदि 15-20 सेट कर लिए ना तो आपको मैथ कितना भी कमज़ोर होंगे क्यों ना होंगे, 15-16 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा मैथ में तो 20 में 20 अटैम्प्ट करके आइएगा, क्योंकि उतना को खास मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, बस 2-4 क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमा देता है, बाकी सिंपल पूछा जाता है, वही ना लोग बना पाते हैं। तो पसंद आएगा तो रेगुलर 15 से 20 सेट करने का सोचे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसका टारगेट दे दिए, कम से कम 500 व्यू जाना चाहिए तभी आगे बढ़ाएंगे उसको, अन्यथा उसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, अभी हम लोग फोकस करते हैं झारखंड जीके क्वेश्चन पर। चलिए, लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा बताइए। याद रखिएगा दोस्तों, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड है जो पहला स्थान रखता है इंडिया में, ठीक है। और क्या करता है, यहाँ का जो 90% यहाँ से निर्यात किया जाता है लाह को। दूसरी बात, खूंटी एक ऐसा जिला है जो 60% लाह उत्पाद करता है। कितना? 60% खूंटी जिला। लो इस बात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तांबा, एल्युमिनियम, सूती वस्त्र, सीमेंट। लो इस बात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा वो बताइए। लाह के बाद दूसरा एल्युमिनियम उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्युमिनियम वाला, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों? मुरी में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो एल्युमिनियम जो उद्योग है मुरी में है, ठीक है, कौन सा ईयर स्थापना किया गया था इसको, मुरी वाला एल्युमिनियम वाला फैक्ट्री? तो 1938 को स्थापना किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना। कब? 1938 में किया गया था। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि इस फैक्ट्री में जो बॉक्साइट का, जो बॉक्साइट कहाँ से मंगाया जाता है याद रखना है, जो बॉक्साइट जो है लोहरदगा से मंगाया जाता है। कहाँ से? लोहरदगा से मंगाया जाता है बॉक्साइट का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है रांची का पठार, राजमहल पहाड़ी, कोल्हान हिल, दलमा हिल, किसका बताइए, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण रांची का पठार है, जब किसका? रांची का पठार। निम्न में से किस नदी को लीलाजन या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस नदी को लीलाजन बोला जाता है? तो याद रखना आपको, कौन सा नदी है दोस्तों? फाल्गुन नदी को। कौन सा नदी? फाल्गुन नदी को निरंजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पितृपक्ष का मेला भी आयोजित किया जाता है और यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर पुनपुन नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 115 बताइए, 115 का क्या है? ये क्या है? पाइनेम, बादम, कोल आदि का संबंध किस खनिज से? तो ये कोयला ही होगा दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पे? ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना PAENM, ये कोयला का है खनिज है, ये पाइनेम जो भी है देख लीजिए। और ये पाकुड़ में, कहाँ पे है? पाकुड़ में, याद रखना इसको, पाकुड़ में। और एक आता है, एक सिकनी करके आता है, एक सिकनी जो मीठा वन, यहाँ पे सिकनी होगा, यहाँ पर सिकनी, ठीक है। सिकनी, पाइनेम, बादम, कोल आदि, सिकनी कहाँ पे है? ये भी कोयला का है भंडार यहाँ पे। और ये पाया जाता है आपको लातेहार में, कहाँ पे? सिकनी लातेहार में पाया जाता है, याद रखना आपको। कन्यालुक्का, करुआ, डुंगरी, जुर्माटी, तुरमडी आदि किस खनिज से संबंधित है? तुरमडी तो सुना सुना नाम लग रहा है ना? याद रखिएगा, तुरमडी नाम सुना सुना लग रहा है, याद रखना है। तो ये यूरेनियम से रिलेटेड है। तो कन्यालुक्का यूरेनियम, करुआ यूरेनियम, डुंगरी जुमराडी, कन्यालुक्का, करुआ, तुरमडी, ये यूरेनियम से रिलेटेड है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? ये आसान सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि सरसों हो, जो तिलहन दलहन कुछ ही पूछ ले, मक्का पूछ ले, गेहूँ पूछ ले, सारा के मामले में ये पलामू होता है,
पलामू जिला सबसे ऊपर आता है इसका, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, गलत है बताना वो। ओहो चकला, कहाँ है चकला? चकला ये कहाँ? चकला से चपला, चपला से लातेहार, लात मार के हार, चकला चपला, ये बात तो सही है। झिंग पानी चायबासा सिमलोंग पाकुड़, झिंग पानी कहाँ है? चायबासा में। सिमलोंग कहाँ पे? पाकुड़ में। सुरदा कहाँ? धनबाद में। सुरदा धनबाद में नहीं दोस्तों, ये घाटशिला, ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, याद रखना। सुरदा, सुरदा माइंस है ना वहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में, याद रखिएगा ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत कौन पूछा वो पूछा हुआ है। तो चकला लातेहार झिंग पानी चायबासा सिमलोंग, सिमलोंग बताइए ये कहाँ पे? ये सिमलोंग पाकुड़ में, पाकुड़ या पाकुड़ जो हिंदी में बोल लीजिए ठीक है। झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 1919 बताइए। झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंसिएगा यहाँ, हमें पता है। चलिए तीसरा होगा 26 जनवरी 1930, कब होगा? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है ठीक है, पीसी मित्रा के नाम से। पीसी मित्रा ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था ठीक है, 26 जनवरी 1930, पीसी मित्रा रांची में ठीक है, रांची में, याद रखिएगा। झारखंड में स्वाधीनता दिवस रांची में 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग से किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? मुंडा खरवार उरांव संथाल। कौन सा जनजाति निभाया था, याद रखिएगा। तो 120 का डी हो जाएगा, संथाल। भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी, भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना क्या थी? अंतिम घटना थी सालिग्राम सिंह की गिरफ्तारी, बिरजी की गिरफ्तारी, वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, योगेंद्र शुक्ला की गिरफ्तारी, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942-16। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के झारखंड में अंतिम घटना थी त्रिपाठी जी का गिरफ्तारी, कब? त्रिपाठी, वाचस्पति त्रिपाठी, याद रखिए त्रिपाठी से, याद रखना। त्रिपाठी जी का गिरफ्तारी कब? 1943 में हुआ था, जो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, 1983 या 86? 1986 था, लेकिन पूरा डेट बताइए। चलिए तो इसका आंसर आ जाएगा 22 जून 1986। यहाँ से याद रखना है झारखंड पीपुल्स पार्टी, ये कब आया था? झारखंड, झारखंड पीपुल्स पार्टी, JPP, झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991 में ठीक है, 91 में। और इसका जो क्या बोलते अध्यक्षता किसके? रामदयाल मुंडा। झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991 में अध्यक्षता रामदयाल मुंडा के द्वारा। झारखंड पार्टी का गठन कब होता? झारखंड पार्टी क्या होता बताइए? 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी का गठन हुआ था ठीक है, 1 जनवरी 1950 को। झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? खादी आंदोलन के मामले में कौन सा कथन सही हो पूछा है? झारखंड में खादी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी ने निभाई थी, याद रखिए सरला झारखंड से, सरला देवी खादी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, सही है। जमुना लाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था, जो देवघर में लगा था खादी मेला का उद्घाटन कौन किया था? जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, बजाज ने खादी मेला का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? देवघर में, जो कि सही बात है। सिंहभूम में 1924 ईस्वी में विष्णु महारी ने नेतृत्व के हट कर देना देने का हट कर ना देने पर आंदोलन चलाया था, सही है, इसका आंसर ऑल ऑफ दी हो जाएगा। चलिए अगला झारखंड राज्य है तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित प्रदान की गई थी। अच्छा बिहार राज्य गठन, अच्छा बिहार विधानसभा में, याद बताइए विधानसभा में अप्रैल को था शायद, 15 अप्रैल, कौन सा अप्रैल होगा? ये तो पता था अप्रैल ही था,
चलिए, तो इसमें क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 25 अप्रैल 2000 को, चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो पता है, चलिए ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हुआ था वहाँ पे, चलिए लोकसभा, लोकसभा में कब पास हुआ था, चलिए लोकसभा में कब हुआ था, 2 अगस्त को, लोकसभा 2 अगस्त, राज्यसभा को कब हुआ था बताइए, 11 अगस्त का, ये डेट याद रखना है, लोकसभा 2 अगस्त 11 अगस्त राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को ये जो अगला झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा, बिहार विधानसभा द्वारा कब, 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मन तीन महीने के बाद, 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा, फिर तीन महीने के बाद जाइए 2 अगस्त को लोकसभा, याद रखना लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा और 25 अगस्त को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, चारों डेट इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 2 अगस्त 11 अगस्त 25 अगस्त, चारों डेट रट्टा मार लीजिए एकदम, ठीक है, कुछ ही पूछ सकता है, रैंडमली पूछ देंगे, पलिए राज्यसभा में कब पारित किया गया था ये, 11 अगस्त, लोकसभा में 2 अगस्त, प्रेसिडेंट 25 अगस्त, बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो ये होड़ो जगर बोलते हैं, आसान है ये। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप से वर्गीकृत किया गया, सरल कारीगर के रूप में इसको किसे किया गया दोस्तों, महली को। झारखंड के अधिकांश जनजाति को मुख्य देवता सिंहबोंगा है, किसी जनजाति में मुख्य देवता सिंहबोंगा नहीं है, ओ खेजी। तो देखिए संथाल में सिंहबोंगा है, हो में सिंहबोंगा है, मुंडा में सिंहबोंगा, लेकिन औरौन में नहीं है, औरौन बताइए क्या है, मुख्य देवता औरौन में क्या दोस्तों, इसमें धर्मेश है, याद रखिएगा, ठीक है, धर्मेश याद रखना आपको, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सही है वो बताना है, सही बताना है आपको, संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति संबंधित है, सही है, संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, चैत बैसाख के जैठ आषाढ़, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो ये सही बोल सकते हैं, आषाढ़ से, ठीक है। बा सोहराय एरोक सरहुल माघ सीम हरिहार सीम करम वंदना, इसमें मुख्य पर्व सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से किसने पहरिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह है, निम्न में से किसने पहरिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है, बताइए, डाल्टन रिजले संडर हंटर, तो कौन था दोस्तों पलामू का लघु द्रविड़, कौन बताया, रिजले ने, कौन, रिजले, इसका आंसर हो जाएगा बी। सैनिक पोशाक पहनकर कौन संदेश किया जाता है, तो ये पायका किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए होगा क्योंकि बड़ी बहुत बार आया हुआ इसलिए आसान हो गया। जतरा धरिया असाड़ी कर्मा मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति का लोकगीत है, जतरा और ऑन, नाम सुनने को नाम ही माना जाता है, जतरा और ऑन, तो जतरा हो गया, धरिया हो गया, असाड़ी हो गया, कर्मा हो गया, कर्मा हो गया, मट्ठा हो गया, जदुरा हो गया, ये सर के औरौन जनजाति का है। नुनबुल मेला सुखजोरा मेला सात टोला मारांगबुरु धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में होता है, देखिए सारा मेला आपको यहीं पे याद हो गया, याद रखिएगा ठीक है, तो कहाँ पे होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए नुनबुल, नुनबिल इंपॉर्टेंट मेला जो कि दुमका में लगता है, सुखजोरा मेला, नुनबिल, नुनबिल दुमका, सुखजोरा, सुखजोरा दुमका, सात टोला मारांगबुरु, सात टोला मारांगबुरु दुमका, तो इसका आंसर दुमका हो जाएगा सी, याद रखिएगा सारे इंडिविजुअल नाम याद रखना आपको। छठ पर्व के संबंध में कौन सा असत्य है, बताइए गलत कौन है वो पूछा है छठ पर्व के संबंध में, यह वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर मनाया जाता है, बात तो सही है दोस्तों, नवंबर में ज़्यादा फेमस है, मार्च में छोटा मोटा होता है, लेकिन सही बात है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाता है, सही बात है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य के स्पंसन करने हेतु मनाया जाता है, सही है। इस पर्व में प्रसाद के रूप में धुसका का वितरण किया जाता है, गलत बात है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, ठेकुआ भी तैनाते इसका, ठेको उसका ना ठेकुआ बोलते हैं, उसको ठेकुआ बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जनजाति है द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाई, तो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई हो जाएगा। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? बुलेट, बेलेट, स्टाम्प, इनमें से कोई नहीं। मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा, क्या नाम है? सोंगा बोंगा, तो क्या बेलेट, क्या होगा दोस्तों? बेलेट के रूप में कथित किया गया। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है भैया? आदि धर्म रामदयाल मुंडा, रतन सिंह मनकी, पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, रांची में तो है लेकिन कहाँ पे है? कांके या रांची में करमटोली में? कांके में टेंडर ग्राम या फिर रांची में करमटोली, दोनों बताइए कहाँ पे होगा। कहाँ पे तो सर? तो रांची कांके कैसे होगा ना, तो कांके, कांके में टेंडर ग्राम है, कांके में याद रखें, ठीक। जगुआर का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? कांके में। अच्छा, जगुआर का झारखंड, जगुआर स्टार्ट कब किया गया था झारखंड, बताए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब किया गया था, कमेंट कीजिए। झारखंड जगुआर का जो स्टार्ट किया गया था ना, कांके में हुआ था 2008 में, कब? 2008 में, याद रखना आपको, ठीक है। जगुआर, झारखंड जगुआर 2008 में, और कांके में इसका हेडक्वार्टर है। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निकली थे किस प्रखंड में स्थित है? वाईफाई ग्राम, वाओ, चलिए, तो कहाँ पे? चाक में है नहीं, कसमार, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर, याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? अरे कहाँ चल गया मेरा, ये कसमार में, ठीक है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये बोकारो में। नेतरहाट जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, जिस जिले में अवस्थित है? लातेहार कौन सा जगह पे है बताना आपको। ये पता ही आपको, लातेहार जिला में ही। तो झारखंड राज्य की दूसरी वर्षगांठ कब होता? अच्छा, झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न से किस योजना की शुरुआत की गई थी? पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, बात सही है। कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, सही है। समर योजना याद रखना है, समर योजना क्या है? कुपोषण का दूर करने के लिए समर योजना का शुरुआत किया गया था 2021 में, 2021 में समर योजना कुपोषण का दूर करने के लिए। बिरसा ग्राम सह कृषक पठ्यशाला, ये भी कैसे, इसका आंसर सभी हो जाएगा, सारे 2021 में। झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये तो 2022 में हुआ था भैया, 26 जनवरी 2022, ठीक है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा सत्य सही है, कौन सा वो बताने, फूलो जानो से कौन सा सही है? फूलो जानो आशीर्वाद योजना ने, इसके तहत हरिया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास का मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किया गया था। हरिया दारू बेचने वाली को 19,000 महिलाओं को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था, बात सही है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई थी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जी हाँ दोस्तों, 2020 में। क्वेश्चन पूछ देगा फूलो झानो आशीर्वाद योजना कब लाया गया था? 1918, 1919, 1920, जो भी है, तो ऑप्शन याद रखना है, सॉरी 2018, 2019, 2020, ऑप्शन दे देगा तो 2020 मारना, ठीक, फूलो झानो वाला सही है। हरिया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सर्वोच्च मिशन जन नियोजन, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, सही, चारों सही है, ठीक है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोलेगा तो कहाँ पे बताइए? चलिए देखिए, मोहन कुमार मंगलम बोलेगा ना दोस्तों, तो ये बोकारो में, कहाँ पे है? बोकारो में। एक क्वेश्चन यहाँ से एक बार बन जाता है, कहाँ गया यार, ये बोकारो में, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो। आप पूछेगा मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, तो ये जमशेदपुर में होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसकी जयंती के दिन झारखंड वासियों को अपना अलग राज्य मिला था?
ये तो बच्चे बच्चे को पता था भैया, भगवान बिरसा मा 28वां राज बना था झारखंड। शरद चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये भारत के पहले मानव विज्ञान शरद चंद्र राय पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन्हें मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना है। मैन इन इंडिया शरद कुमार राय, सही बात है ये, शरद चंद्र, याद रखना शरद चंद्र राय मैन इन इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खडियाज, उरांव ऑफ चरणनागपुर इत्यादि है शरद चंद्र राय। बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खडियाज, उरांव ऑफ चरणनागपुर, शरद चंद्र राय। ठीक है, 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का निर्माण इनकी विषय में, सही बात है, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 ईस्वी में चक्रधर के जम कोपाई जंगल कहाँ चक्रधरपुर में सोते हुए गिरफ्तार किया था? चलिए, तो किसको किया था? तो बिरसा मुंडा को। ठीक है, कौन सा जंगल है? जम कोपाई, याद रखिएगा जम कोपाई जंगल था। ठीक है, वहाँ से गिरफ्तार, क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा कौन सा जंगल का नाम था जहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो जम कोपाई। ठीक है, इसका मृत्यु क्या हुआ था? 9 जून 1900 को इसका मृत्यु हो गया था हैजा की बीमारी के चलते। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में झारखंड का रैंक क्या था? तो कितना था? 27 था रैंक झारखंड का। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में निम्न में से किस टीम ने पहली बार पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा किया था? देख सकते हैं, पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था, जो रणजी ट्रॉफी टीम में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, याद है ना, याद रखिएगा। चलिए, झारखंड ने किसके खिलाफ मारा था दोस्तों? नागालैंड। ठीक है, 880 नागालैंड के खिलाफ मारा था, ये 3 बार से करना पहले हो चुका है, चौथा बार था, याद रखना आपको। ठीक है, राज्य सरकार राज्य द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? राज्य के द्वारा बताइए। कौन था? पद्मश्री तो नहीं होगा, भारत रत्न पुरस्कार तो नहीं होगा, राज्य का पूछा ना, तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, रिवीजन कराते हैं वो चीज़ हम, कि जब कब कब पास हुआ था विधेयक बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड अलग करने के लिए, याद रखना है, बिहार विधानसभा लिख देते हैं, रिविजन हो जाएगा, बिहार विधानसभा से कब हुआ था विधानसभा? ठीक है, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, बताइए, चारों डेट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। बिहार विधानसभा में कब? 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2000 को, अप्रैल बीत गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 अगस्त को 2000 में ही 2 अगस्त को लोकसभा में, फिर 11 अगस्त को राज्यसभा में, फिर 25 अगस्त को, देखे लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट अगस्त में था, लेकिन विधानसभा वाला अप्रैल में था, तीनों डेट याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ऐसे ही क्लास पाने के लिए, जैसे जैसे सीजल टारगेट ASO का सपना पूरा हो सकता है। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ के रहिएगा, इंपॉर्टेंट PDF वहाँ डिलीवर करते हैं। ठीक है।